एक समस्या सामने आ रही थी, चाहे मेरे चाहे मंत्री जी के। और थोड़े बहुत दिन पहले आप शादियों का सीजन चल रहा है, तो जहां जहां जा रहे हैं, जो कृषि इलाके हैं हमारे लमसम कृषि बाहुल्य क्षेत्र है पूरा ही, तो जो कृषि लाइट थी जो पहले दिन में दी जाती थी, बिजली विभाग के पास जो उत्पादन नहीं कर पा रहे थे लोड अनुसार, उसकी वजह से इन्होंने जो कृषि लाइट, जो थ्री फेज कृषि लाइट है जो पहले दिन में दी जाती थी, उसका समय शाम का कर दिया, रात का कर दिया। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे जो मेहनती किसान भाई है, वो जब इस ठंड के मौसम में लोग अपनी रजाइयों से बाहर नहीं निकलना चाहते, घर के बाहर नहीं निकलना चाहते, उन्हें क्यारियां मोड़नी पड़ती थी इस इतनी भयंकर ठंड में, इतने ठंडे पानी के अंदर फावड़े जलाने पड़ते हैं, लाइट के क्यारियां मोड़नी पड़ती है, पाइपलाइन चेंज करनी पड़ती है। आप सभी को मैं एक खुशखबरी दे रहा हूं कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई, मेरी भी, दाता की भी, मंत्री जी की भी, और ऊर्जा मंत्री जी से भी बात हुई। कल से 4 दिसंबर से कृषि लाइट थ्री फेस लाइट दिन से कर दी जाएगी, दिन में आ जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक समस्या सामने आ रही थी, चाहे मेरे चाहे मंत्री जी के। और थोड़े बहुत दिन पहले आप शादियों का सीजन चल रहा है, तो जहां जहां जा रहे हैं, जो कृषि इलाके हैं हमारे लमसम कृषि बाहुल्य क्षेत्र है पूरा ही, तो जो कृषि लाइट थी जो पहले दिन में दी जाती थी, बिजली विभाग के पास जो उत्पादन नहीं कर पा रहे थे लोड अनुसार, उसकी वजह से इन्होंने जो कृषि लाइट, जो थ्री फेज कृषि लाइट है जो पहले दिन में दी जाती थी, उसका समय शाम का कर दिया, रात का कर दिया। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे जो मेहनती किसान भाई है, वो जब इस ठंड के मौसम में लोग अपनी रजाइयों से बाहर नहीं निकलना चाहते, घर के बाहर नहीं निकलना चाहते, उन्हें क्यारियां मोड़नी पड़ती थी इस इतनी भयंकर ठंड में, इतने ठंडे पानी के अंदर फावड़े जलाने पड़ते हैं, लाइट के क्यारियां मोड़नी पड़ती है, पाइपलाइन चेंज करनी पड़ती है। आप सभी को मैं एक खुशखबरी दे रहा हूं कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई, मेरी भी, दाता की भी, मंत्री जी की भी, और ऊर्जा मंत्री जी से भी बात हुई। कल से 4 दिसंबर से कृषि लाइट थ्री फेस लाइट दिन से कर दी जाएगी, दिन में आ जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।